नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशनगंज जीके ग्रुप में। आज दिनांक 17 अप्रैल 2020 और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें। और आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें और डाउनलोड कर सकते हैं, और पीडीएफ फाइल को सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध जनक रिफत जदीर जी का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका आंसर है, वे इराक के आधुनिक वास्तु कलाकार थे। जनक रिफत जी को आधुनिक इराक की वास्तुकला के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका देहांत कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण हुआ था। इराक की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं और प्रतिष्ठान स्वतंत्रता स्मारक को बनाने में इनका मुख्य योगदान था, और इनकी प्रसिद्ध रचना द अननोन सोल्जर्स के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा किस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर यूनियन बैंक। अब ये यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए, तो बात करते हैं यूनियन बैंक की। यूनियन बैंक की स्थापना 11 नवंबर सन 1919 की हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान MD एंड CEO राज किरण राय जी हैं, और अब ये विरूपाक्ष मिश्रा जी बने हैं। इनकी नियुक्ति कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक को यूनियन बैंक में विलय होने के बाद की गई है। अब बात करते हैं विरूपाक्ष मिश्रा जी की। ये कार्यकारी पहले कॉरपोरेशन बैंक के MD एंड CEO थे, अब ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO बन गए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, 100 कमेंट्स एंड 100 शेयर का, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो को बनाऊं, और भी अच्छे कंटेंट्स और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी और भी अच्छे तरीके से हो, और कोई भी एग्जाम इस वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चन को फंसे और ज़्यादा ज़्यादा आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो से ज़्यादा उन लोगों को और सभी लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट किसने जारी की है? इसका आंसर है विश्व बैंक ने। अब यह विश्व बैंक ने जारी की है, तो बात करते हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय Washington DC अमेरिका में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। अब बात करते हैं साउथ एशिया में शामिल कितने देशों के लिए ये फोकस रिपोर्ट जारी की गई है? तो कुल 8 देशों के लिए ये रिपोर्ट जारी की, जिसमें से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान है। इस साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस में साउथ रीजन के देशों के लिए की गई है, जिसमें से कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप आर्थिक गिरावट का नुकसान की रिपोर्ट आई है, जिसमें से मालदीव सबसे ज़्यादा और सबसे मुश्किल अर्थव्यवस्था से प्रभावित होगा। 2020 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 1.5% से 2.8% की दर से वृद्धि करेगा, जबकि पूरे साउथ एशिया की वृद्धि दर 1.8% से 2.8% के बीच गिरावट होने का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है? इसका आंसर है HDFC बैंक। अब पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया, तो बात करते हैं PBOC की, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय बीजिंग और संघाई में है। इसके वर्तमान गवर्नर यी गैंग है। अब बात करते हैं HDFC बैंक की। इसकी स्थापना 1994 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान CEO KKM मिश्री हैं। इसके प्रबंध निदेशक रेणुसूद कर्नाड हैं। अब बात करते हैं हिस्सेदारी की। हिस्सेदारी में 0.8% से बढ़ करके 1.01% हो गई है। इसी के साथ 17.49 मिलियन की शेयर के साथ 2,976 करोड़ की हिस्सेदारी हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवा देने के लिए रोबोट का इस्तेमाल शुरू किया है? इसका आंसर है झारखंड राज्य सरकार ने। इसकी शुरुआत झारखंड में हुई है, तो बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू,
राजधानी रांची है। अब बात करते हैं इस रोबोट का क्या नाम रखा गया है। इस रोबोट का कोबोट रोबोटिक्स नाम रखा गया है। इसको बनाने में जिला उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन और उनके इंजीनियरिंग टीम के द्वारा ये बनाया गया है। झारखंड में हाईटेक आइसोलेशन वार्ड चाईबासा अस्पताल ANM स्किल सेंटर में 20 बेड का अस्पताल बनाया गया है, जबकि COVID-19 रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर में 30 बेड का अस्पताल बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केयर रेटिंग कंपनी के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है अजय महाजन को। अब बात करते हैं केयर रेटिंग के नए MD एंड CEO बनाएंगे। तो बात करते हैं केयर रेटिंग की। केयर रेटिंग की स्थापना 1993 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके MD एंड CEO अजय महाजन हैं। अब बात करते हैं नए MD एंड CEO अजय महाजन बने हैं, ये राकेश मोकासी के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। इसका आंसर है चीन। अब चीन में होने वाले विश्व धरोहर समिति के 44वां सत्र स्थगित हो गया। तो बात करते हैं चीन की। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी युआन, राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे एजोले हैं। अब यह आयोजन 29 जून से 9 जुलाई 2020 तक होनी थी और इसका आयोजन स्थल पूर्वी चीन के सिजियान प्रांत के फूजो में होना था, जो कि अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विनीत अरोड़ा किस कंपनी के नए MD एंड CEO बने हैं। इसका आंसर है पेमेंट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी के। अब बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की। इसकी स्थापना 2010 में हुई। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके वर्तमान संस्थापक विजय शेखर शर्मा है और MD एंड CEO सतीश कुमार गुप्ता है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की एक अलग संस्था है जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसके MD एंड CEO विनीत अरोड़ा बने हैं। विनीत अरोड़ा पहले एग्रॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD एंड CEO थे, अब ये पेटीएम के जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD एंड CEO नियुक्त कर दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ, वे कौन थे। इसका आंसर है एक अभिनेता थे। अब बात करते हैं रंजीत चौधरी की। रंजीत चौधरी फिल्म टेलीविज़न और थिएटर अभिनेता थे। ये अपने करियर की शुरुआत 1978 में फिल्म खट्टा मीठा से शुरुआत किए थे। ये बॉलीवुड तथा हॉलीवुड दोनों में अपने अभिनय को दर्शा चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR निर्माण और COVID-19 पोर्टल का शुभारम्भ किया है। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अब इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश ने किया। तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। राजधानी हैदराबाद और अमरावती है। अब बात करते हैं ये जो लॉन्च किए हैं इस पोर्टल को, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया है। अब बात करते हैं पोर्टल YS निर्मन, जो कि सीमेंट प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों की सहायता करेगा। पोर्टल सीमेंट निर्माता संघ, निर्माता कंपनी एवं सरकारी विभागों को एक साथ जोड़ेगा, ताकि आने वाले समय में COVID-19 के कारण हुई आर्थिक परेशानी और आर्थिक घाटे को पूरा किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन अवार्ड किसने जीता है। इसका आंसर है टाटा पावर ने। टाटा पावर ने ये एडिशन अवार्ड प्राप्त किया। तो बात करते हैं टाटा पावर की। इसकी स्थापना 1868 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके CEO प्रवीण सिन्हा हैं और टाटा पावर के संस्थापक जमशेद जी टाटा हैं। अब बात करते हैं ये टाटा पावर ने एडिशन अवार्ड जीता है। तो बात करते हैं इस पुरस्कार की। ये पुरस्कार क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार बिजली बचाने के लिए दिया गया है। 2007 से अब तक 29.8 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली को बचाया है, जिसके कारण इनको ये अवार्ड दिया गया है। एडिशन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ नवाचार और इनोवेटर्स को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार पहली बार 1987 में थॉमस अल्वा एडिशन की याद में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ATM लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ कर दिया है। इसका आंसर है SBI बैंक।
अब ये SBI बैंक ने माफ किया तो बात करते हैं SBI की। इसकी स्थापना 1 जुलाई सन 1955 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। अब यह अवधि 30 जून 2020 तक के लिए लेन देन के लिए फ्री सीमा कर दी गई है और इसकी घोषणा भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की है। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में यस बैंक के किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपनी पहली व्यावसायिक साझेदारी का विस्तार किया है? इसका आंसर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ जरूर लिखें। ये रहे आज के सारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा होगा आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तब मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।